तो गाइस अगर आपको सुपर पावर मिल जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अगला ड्रॉप कहाँ पे गिरने वाला है, अगर आपको सुपर पावर मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है जहाँ पे बहुत सारे बंदे रुके हुए हैं, ऐसे कोई पावर्स मिल गया तो आप क्या करोगे? आपको कोई ऐसा पावर मिलेगा जिससे आप अपने मर्जी के लेवल 3 या लेवल 2 के वेस्ट उठा सकते हो तो कैसे होगा? तो गाइस ये है क्राउन ट्रिक्स का इवेंट जो बेसिकली रिलीज हुआ है आज 31 मार्च को और ये चलने वाला है कुछ दिन तक, जहाँ पे आप लोग का जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट एनिवर्सरी अचीवमेंट भी इसमें कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या नया चीज़ें और कैसे ये चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे इन पावरों को। और स्टार्ट, तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पे आप जंप करने के बाद आपको मैप में कुछ डेसिग्नेटेड लोकेशन में आपको जोकर के सिंबल्स दिखेंगे। जैसे आपको मैप में वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं तो बेसिकली ये वाइट स्पॉट से जोकर के सिंबल्स ही आपको इवेंट में ही मिलेगा। आपको एग्जैक्टली इन सिंबल पे उतरना नहीं है, यस यू हर्ड मी राइट, आपको एग्जैक्टली उस सिंबल पे नहीं उतरना है। आपको मिलेंगे कुछ टोकन्स और वो टोकन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है नीचे आपको यहाँ पे गोल्ड कलर के टोकन दिख रहे हैं। जी हाँ गाइस, आपको इन टोकनों को कलेक्ट करना है। ये है जोकर टोकन, ये पूरे मैप में हर जगह होगा, तो आपको 10 टोकन इकट्ठे करने हैं आपके मिशन कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा उस क्राउन वाले लोकेशन पर जहाँ पर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो गाइस ये वो लोकेशन है जोकर वाला जहाँ पर आप आ सकते हो और आने के बाद बेसिकली आपको कलेक्ट करना है। तो आप जैसे देख सकते हो ये आपका जो जोकर का क्राउन ट्रिक्स का जो लोकेशन है यहाँ पे आप आराम से कूदना है। आपको वेंडिंग मशीन के पास जाना है और वेंडिंग मशीन के पास आपको स्क्रीन में दिखेगा आप यहाँ से लेवल 3 के लूट खरीद सकते हो टोकन से। और साथ ही साथ उसके नीचे एक और ऑप्शन रहता है मैप का, तो इस मैप के ऑप्शन में आपको नीचे दिखाता हूँ, साइड में नीचे एक ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर मेरे भाई, मैं पता नहीं इतना स्लो क्यों। तो इस मैप में आपको 3 पावर मिलते हैं, एक पावर में आपको पूरे एरिया में कहाँ पे ड्रॉप गिरेगा, दूसरे एरिया में सबसे हॉट ड्रॉप कौन सा है और तीसरा जोन किस तरफ आने वाला है। तो ये सारे चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा, उसमें से एक पावर आपको मैं भी यूज़ करके भी दिखा दूंगा। तो गाइस पावर्स दिखाने से पहले जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये जो आपको जो स्पॉन एरिया होने वाला है जो एनिवर्सरी मोड का, उसमें हर जगह पेंटिंग्स होंगे, ग्रेफिटी पेंटिंग हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली जोकर थीम है, तो क्योंकि अप्रैल फूल का दिन आने वाला है 1 तारीख को, तो ये जोकर थीम के ऊपर पूरा जो भी एरिया है उन सबको स्प्रे पेंटिंग है, उतना ही इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो अभी टोकन इकट्ठे हो गए तो चलिए जाके आपको मैं वो हॉट ड्रॉप वाला दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे क्राउन टोकन के पास और यहाँ पे मैं टोकन को रिडीम करूँगा। तो बेसिकली मैंने लिया है हॉट ड्रॉप वाला टोकन, मैंने ऑलरेडी इसे ले लिया है और आप मैप में देख सकते हो वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे एक ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब वो ब्लिंक बेसिकली अगला हॉट ड्रॉप मतलब अगला एयर ड्रॉप, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगला एयर ड्रॉप कहाँ पे गिरने वाला है वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अगला एयर ड्रॉप एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे गिरेगा। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो अब मैं फुल स्पीड से जा रहा हूँ और जाते जाते आप देख सकते हो वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा है। अब एग्जैक्ट मैं उस लोकेशन पे मैप ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो एग्जैक्ट जहाँ पे ड्रॉप मार्क हुआ तो उधर ही गिरा। तो गाइस यही थे सुपर पावर्स, आप ये सारे सुपर पावर यूज़ करके अपने गेम के मजे ले सकते हो, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कराकिन के ऊपर इंडिया वीडियो में लाने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।